नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 59,97,587 के पार, 57,53,290 मरीजों को मिली राहत और अब तक 1,19,303 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 8,22,758 के पार, 8,07,911 मरीजों को मिली राहत और अब तक 10,040 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 7,79,499 के पार, 7,79,177 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,827 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 14,33,366 के पार, 14,06,629 मरीजों को मिली राहत और अब तक 24,940 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 9,51,548 के पार, 9,40,465 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,905 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 17,04,790 के पार, 16,78,788 मरीजों को मिली राहत और अब तक 22,336 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले 24,43,415 के पार, 23,58,785 मरीजों को मिली राहत और अब तक 31,446 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 18,62,036 के पार, 17,98,380 मरीजों को मिली राहत और अब तक 12,452 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले 6,16,688 के पार, 5,96,628 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,598 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले 5,93,572 के पार, 5,72,800 कोरोना मरीजों को मिली राहत और अब तक 15,923 लोगों की हुई मौत। बिहार में कोरोना वायरस के मामले 7,20,505 के पार, 7,08,231 मरीजों को मिली राहत और अब तक 9,569 के पार पहुंचे मौत के आंकड़े। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 33,916 के पार, 31,189 मरीजों को मिली राहत और अब तक 160 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में कोरोना वायरस के मामले 8,86,946 के पार, 8,53,012 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,770 लोगों की मौत। केरल में कोरोना वायरस के मामले 28,42,248 के पार, 27,29,967 मरीजों को मिली राहत और अब तक 12,446 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना वायरस के मामले 4,90,907 के पार, 4,54,724 मरीजों को मिली राहत और अब तक 4,310 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले 3,44,914 के पार, 3,38,446 मरीजों को मिली राहत और अब तक 5,104 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के मामले 18,398 के पार, 14,096 मरीजों को मिली राहत और अब तक 86 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 2,01,049 कोरोना के मामले आए सामने, 1,95,289 कोरोना मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,445 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना के मामले 3,39,127 के पार, 3,23,377 मरीजों को मिली राहत और अब तक 7,068 लोगों की हुई मौत। मेघालय में कोरोना वायरस के मामले 46,458 के पार, 41,349 मरीजों को मिली राहत और अब तक 797 लोगों की मौत। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के मामले 63,137 के पार, 58,674 मरीजों को मिली राहत और अब तक 655 लोगों की मौत।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले 9,92,061 के पार, 9,71,032 मरीजों को मिली राहत और अब तक 13,407 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1,63,358 के पार, 1,56,354 मरीजों को मिली राहत और अब तक 2,960 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 14,83,363 के पार कोरोना के आंकड़े, 14,87,510 मरीजों को मिली राहत और अब तक 17,475 लोगों की मौत।